स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको देश का ऐसा राज्य जहाँ पे एक भी कोरोना के पेशेंट जो है नहीं पाए गए। तो ये देश का पहला राज्य ऐसा बन चुका है जहाँ पे कोरोना मुक्त घोषित हो चुका है। साथ ही दोस्तों आपको पेट्रोल लेने से पहले निभानी होगी कुछ शर्तें। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने किया है कुछ नए अलाउंस। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या बताया अभी तक कोरोना अपडेट्स के बारे में जानेंगे। गो एयर के कर्मचारी, जी हाँ दोस्तों, 5,500 कर्मचारियों को जो है क्या वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जानेंगे सब पूरा जो है विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सख्ती से पालन के लेकर लॉकडाउन को, तो जानेंगे पूरा विस्तार से खबरों को। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना अपडेट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटों में कोरोना वायरस के जो है 1334 नए केस जो है सामने आ चुके हैं और उनमें से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना जो है बहुत तेज़ी से जो है पूरे देश के चारों तरफ फैला हुआ है और इस समय जो है भारत में भी जो है इसने अपने पूरे पैर पसार लिए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर ये आ रही है कि भारत में जो है गोवा ऐसा राज्य बना जहाँ पर कोरोना मुक्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गोवा में एक भी ऐसे मामले नहीं है जो कोरोना संक्रमण से शामिल हो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैलरी को लेकर, जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी पगार आपको घर बैठे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बीच जो एक बहुत बड़ी जो एक खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, गो एयर को आप जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एयरलाइंस है जो हवाई जहाज़ें चलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गो एयर के 5,500 कर्मचारी हैं वो 3 मई तक, जी हाँ दोस्तों, 3 मई तक जो है उनको बिना वेतन छुट्टी पर जो है भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको इन जितने भी कर्मचारी हैं इन सभी को जो है वेतन नहीं मिलेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले जो है देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर हुई, जिसके अंदर कहा गया है कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन होना चाहिए, करवाने के लिए जो है देश में मिलिट्री को उतारना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है अभी तक कि कोरोना से खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ गया है, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के जो है शिक्षा मंत्री और उप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना से खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिन और देश में जो है चारों तरफ जो है कोरोना के वायरस के जो संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो जितना हो सके आप जो है अपने घरों में रहिए, बेवजह जो है घरों से बाहर मत निकलिए। अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार का जो है प्लान, जी हाँ दोस्तों, मिलेगा काम और पैसे, तो जानेंगे इस खबर को विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरे राज्यों में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें जो है रोजगार का और उनके खाने पीने के पैसे के लिए सरकार ने जो है एक नया नियम लगाया है। जानते हैं इसके हाईलाइट्स के बारे में। किसी भी लेबर को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां वह रह रहा है उससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। 15 अप्रैल को कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होना जरूरी है। स्थानीय अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी होगी कि वह मजदूरों को उनकी यात्रा के दौरान खाना पीना मुहैया कराए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों जो कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो है अपने घरों से दूर राज्यों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे तो पैदल ही जो है घर निकल पड़े थे, लेकिन जिन्हें सीमाओं पर जो है रोककर क्वारंटीन में रखा गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि तमाम राज्यों में फंसे इन प्रवासी मजदूरों के आने जाने को लेकर कुछ गाइडलाइंस जो है जारी की गई है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी SOP जारी की है। इसके अनुसार किसी भी लेबर को राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने फैसला किया कि फंसे हुए मजदूरों का इस्तेमाल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और अन्य कामों में किया जा सकता है। 20 अप्रैल के बाद से संक्रमण जोन से बाहर तमाम जो है काम करने की इजाज़त मिल चुकी है। ऐसे में वहाँ काम करने वालों की ज़रूरत होगी, जो कमी ये प्रवासी मजदूर पूरी कर सकते हैं। इन मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही बड़ी खबर है अब तक सभी के लिए, क्योंकि अब जो है मजदूरों को जो है एक रोज़गार मिल जाएगा और उनके खाने पीने की जो उनकी दिक्कत थी वो जो है दूर हो जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक नई स्कीम के तहत जो है सभी को, जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए जो है 2,000 रुपये जो है उनके खाते में डालने की जो है बात कही है। जी हाँ दोस्तों, पहली किस्त जमा भी हो चुकी है। अगर अभी तक आपको पैसे खाते में नहीं मिला है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगली खबर की तरफ चले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक, जी हाँ दोस्तों, जब तक कोरोना वायरस का जो है प्रकोप पूरे देश और पूरे राज्य में फैला रहेगा तब तक वो लॉकडाउन को जो है सख्ती से पालन करते रहेंगे और ना ही किसी को भी, जी हाँ दोस्तों, ना ही किसी को भी जो है राज्य से बाहर जाने का अनुमति दी जाएगी। फिलहाल जो है उनकी तारीफ प्रियंका गांधी ने की थी, उसकी वजह यह है कि उन्होंने यानी योगी आदित्यनाथ ने जो है 300 बसें जो है कोटा यानी राजस्थान भेजी गई थी, जो पूरी तरह से सैनिटाइज करके भेजी गई थी ताकि वहाँ पे फंसे जो छात्र हैं जहाँ के वहाँ पे स्टडी करने के लिए गए थे उन सभी छात्रों को जो है उत्तर प्रदेश बुला लिया गया। बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशखबरी उन तमाम छात्रों के लिए जो अपने से दूर थे और ऐसे टाइम पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। लेकिन इसी बीच जो है प्रियंका गांधी ने यह फैसला किया है कि जैसे आपने छात्रों को बुलाया उसी प्रकार जो है प्रवासी मजदूरों को भी बुलाइए, क्योंकि वो भी आपके ही राज्य के ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज तमाम खबरों के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।